अर्दर अंजू के पाकिस्तान जाने और वहां पर अपने दोस्त नसरुल्लाह से शादी करने के दावे के बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अंजू के एक वीडियो से इस बात की अब पुष्टि हो पाई है कि पाकिस्तान जाने की उनकी वजह आखिर थी क्या, और उस वीडियो में अंजू ये कहते सुनाई दी कि वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा की खूबसूरती देखकर वहां गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके दोस्त नसरुल्लाह उन्हें खैबर पख्तूनवा के ऊपरी दीर जिले की कई फोटो भेजते थे और अंजू को वो जगहें काफी खूबसूरत लगी, जिसके बाद वो पाकिस्तान जाने के प्लान बनाने लगी और बीती 21 जुलाई को पति को बिना बताए अपने दोनों बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई और वहां वो अपने सोशल मीडिया के दोस्त नसरुल्लाह के साथ रहने लगी। बाद में पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि अंजू ने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम फातिमा रखकर नसरुल्लाह से शादी कर ली। हालांकि अंजू ने नसरुल्लाह से शादी के दावे से इनकार किया। इन सबके बीच राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान गई अंजू पर खुफिया एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू कर दिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अंजू के पाकिस्तान जाने वाले मामले में कई स्तर पर कानून का उल्लंघन हुआ है और अंजू का पाकिस्तान में जिस तरह से स्वागत किया गया और उन्हें कई तोहफे दिए गए वो सभी जाँच एजेंसियों को प्रायोजित लगा। जांच एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि पाकिस्तान में अंजू का स्वागत करने वाले लोगों ने ही वीजा बनवाने और पाकिस्तान में दाखिल होने में अंजू की मदद की। जांच एजेंसियों की माने तो अंजू को पेशेवर तरीके से गाइड किया गया, जिसके बाद अंजू ने अमृतसर के वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान जाने का रास्ता चुना। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां अंजू मामले की जाँच में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अंजू ने बीते 6 महीने में किस किस से संपर्क किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि खुफिया एजेंसी पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का 15 साल का रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई, ताकि ये पता लगाया जा सके कि प्यार के लिए पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंचने का दावा करने वाली सीमा की असलियत क्या है। क्योंकि सूत्रों का कहना है कि कई दिनों की पूछताछ के बाद भी जांच एजेंसियों को सीमा के दावों पर भरोसा नहीं। ऑनलाइन गेम पबजी पर सचिन से मिलना और कुछ दिनों की मोहब्बत के बाद बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते सीमा का भारत पहुंचना खुफिया एजेंसी को खटक रहा है। सूत्र बताते हैं कि खुफिया एजेंसियों को शक है कि सीमा सचिन से प्यार करने की आड़ में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, इसीलिए असलियत जानने के लिए खुफिया एजेंसियों ने उनका 15 साल का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गई कि पति गुलाम हैदर के सऊदी अरब जाने के बाद सीमा किन किन लोगों के संपर्क में थी और कैसे उनकी जिंदगी में सचिन की अचानक एंट्री हुई। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के टूटे फोन और उनके सिम कार्ड से उनकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उनके टूटे फोन और सिम कार्ड की पूरी जानकारी जांच एजेंसियों के पास होगी, जिससे सीमा हैदर का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। पुलिस FIR के मुताबिक पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा 13 मई को भारत पहुंची थी। करीब 1.5 महीने बाद 4 जुलाई को पुलिस ने सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि उस दौरान सीमा के पास 4 मोबाइल फोन मिले थे, जिनमें एक टूटा था। सूत्रों का कहना है कि उस टूटे फोन में पाकिस्तान का सिम कार्ड था, जिसे पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया था। सूत्र बता रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 दिनों में उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीमा के उस फोन से डिलीट किए गए कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप चैट जल्द ही मिल जाएगी। सूत्रों का दावा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद सीमा से एक बार फिर जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी। सीमा हैदर और सचिन की खराब माली हालत को देखते हुए यूपी के मेरठ के रहने वाले अमित जानी नाम के एक आदमी से ने सीमा को अपने प्रोडक्शन हाउस में नौकरी का ऑफर दे दिया। 2 दिन पहले ही सचिन के पिता नेत्रपाल मीणा ने जानकारी दी थी कि पुलिस जांच की वजह से उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि पुलिस ने जांच के नाम पर उनके परिवार को मकान में कैद कर दिया, परिवार के लोगों के बाहर निकलने तक पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से उनके परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। इस खबर के सामने आने के बाद मेरठ के रहने वाले और मुंबई में अपना प्रोडक्शन हाउस चलाने वाले अमित जानी ने सीमा हैदर को नौकरी का ऑफर दे दिया, ताकि उनके परिवार को खाने पीने की कोई दिक्कत न हो। हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है, हम उसे काम दे सकते हैं। अमित जानी ने यह भी कहा कि भारत में जिस तरीके से सीमा हैदर आई है वो उसका समर्थन नहीं करते, हालांकि वो मदद करने के लिए सीमा को काम देने के लिए तैयार है। बड़ी खबर आपको बताएं, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के मामले में NIA ने पंजाब में छापेमारी की है। NIA ने पंजाब में 31 जगहों पर ब्रेड की कार्रवाई की है। पंजाब में छापेमारी लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करने वालों के करीबियों के यहां पर हुई है। बीती 19 मार्च को आपको बताएं कि लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग के ऊपर हमला कर दिया था और उसी के बाद NIA को इस मामले में जांच सौंप दी गई थी। इन सब के बीच पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड का आरोपी सचिन बिश्नोई ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया है कि मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग दुबई में ही रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक एक्टर सलमान खान बम्बिया गैंग के बड़े गैंगस्टर और पंजाब के कुछ सिंगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है और उन पर बिश्नोई गैंग कभी भी बड़ा हमला करवा सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सचिन बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बताया कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को हर हाल में मारने का प्लान अभी बना रहे हैं।
क्योंकि उनके बनाए पहले के 3 प्लान फेल हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक उसने ये भी बताया कि बब्बीहा गैंग के बड़े गैंगस्टर और पंजाब के कुछ सिंगर भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। सूत्रों के माने तो सचिन बिश्नोई ने दुबई में रहते हुए कई बार गोल्डी बराड से बात की और लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ जेल में फोन पर बात की गई। सचिन बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की एक टीम अजरबैजान से भारत ले आई, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। सचिन बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है, जिसे पिछले साल अगस्त में अजरबैजान में गिरफ्तार किया गया था। और करीब एक साल बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम उसे अजरबैजान से लेकर भारत पहुंच गई। पिछले साल 29 मई को पंजाब के मानसा में दिन दहाड़े पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्याकांड से कुछ रोज पहले ही सचिन थापन फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सचिन थापन न सिर्फ हत्याकांड की प्लानिंग में शामिल था, बल्कि उसने ही शूटरों का इंतजाम किया था। जैसा कि उसने बताया कि एक तो बोलेरो जिसपे सिद्धू को चेस किया गया, वो सचिन थापन ने ऑर्गेनाइज कराई। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के ही इशारे पर सचिन को विदेश भगाया गया था। बकायदा उसका तिलक राज टुटेजा के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवा गया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि अजरबैजान फरार होने के बाद सचिन थापन लगातार जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागने के बाद सचिन सबसे पहले दुबई पहुंचा था, जहां कुछ दिनों तक छिपने के बाद वो भारत